ओम तूने अंकल मार ओ ओ फक निकला निकला ओ भाई क्या हुआ दरवाजा क्यों खोल रहे क्या हुआ ओ अंकल जी गाइस ऊपर गिर गया ये देखो खून निकल गया यार भाई तू कहां हमारी मैच ले गया भाई ऊपर वाले ने लिखा हुआ है ना अंकल ऊपर वाले ने लिखा हुआ है जिसके हाथ में आएगी उसको मिलेगी गाइस अरे जब हमने डिसाइड किया उतरते नहीं ओ भाई क्या एक्सपीरियंस है बस पलटा ना लगा गाइस ये चेक करो ZX10R और आगे अपना जोजिला पास कितना वेल गाइस आप भी सोच रहे होंगे सुबह सुबह गाड़ी में क्या करने आया मैं ये मेरा बैग है गाइस कुछ सामान निकालना है इसमें से बिकॉज कुछ सामान निकाला नहीं था यार इसमें देख लो मैंने कितना सा बैग लाया और इसमें कितने से कपड़े रखे हुए मैंने बाय द वे गाइस गुड मॉर्निंग क्या हाल तुम सब आई होप तुम सब बढ़िया होगे सोनमर्ग से ओ भाई गरम सोनमर्ग से गुड मॉर्निंग हो रही है आज का हमने सोचा था करगिल लगाएंगे बट इनका प्लान चेंज हो गया एंड यहाँ इस तरफ कोई ग्लेशियर है आई थिंक अगर उसको थर्डवर्स ग्लेशियर कहते हैं वहाँ पर जाने का प्लान बन रहा है सो लेट्स सी अभी फिलहाल हमारे पास फ्यूल भी एक्स्ट्रा हमने कैरी कर लिया हुआ ये देखो करगिल के लिए कल कर लिया था तो आज फिलहाल हम यहीं पे होने वाले हैं तो अभी चलते हैं कुछ घोड़े वालों से बात करते हैं एंड आपको कुछ हॉर्स राइडिंग भी दिखाएंगे ये पहले लगी हमारी 10R वहाँ पे लगी है KTM वो R15 एंड पीछे पल्सर एंड मैं तुम्हें बता दूँ अभी हमने एक प्रैंक करने का सोचा वो तुम्हें बताएंगे क्या सीन होने वाला है आँखें भी नहीं खुली अभी यार सुबह के 9 बज रहे एंड यहाँ पे इतना प्यारा व्यू है तुम ऊपर से देखो देख रहे हो माउंटेन्स देखो ये देखो ये देखो तो अभी हमने एक प्रैंक करने का सोचा हुआ है तो तुम्हें बताते हैं अभी देखते हैं क्या रिएक्शन रहेगा इनका ठीक है तो पहले तो इस चीज़ के साथ सोचे थे प्रैंक करने का फिर सोचा रहने दो किसी और के साथ करते हैं अब एक प्रैंक करते हैं तुम बताना गाइस कैसा लगा अभी फिलहाल आ चुका हूँ गाड़ी में एंड अभी का सीन कुछ गाइस ऐसा है कि हमें जाना है थाजवास ग्लेशियर तो यहाँ पे एक ग्लेशियर है सोनमर्ग में बहुत फेमस है रील्स वगैरह भी देखी हुई तुमने तो वहाँ जाने के लिए हमें घोड़े करने पड़ेंगे ठीक है घोड़ों का रेड करना पड़ेगा तो अभी फिलहाल हम यहाँ से जा रहे हैं मार्केट की ओर वहाँ से देखते हैं घोड़े एंड घोड़ों का रेट करेंगे क्योंकि हम 9 बंदे हैं तो हमें 9 बंदों के लिए घोड़े चाहिए तो उस हिसाब का रेट करना है कल शाम को हम यहाँ पे चल रहे थे मतलब शाम को हमने पूछा था वो 2000 पर बंदा बोल रहे थे बट उतना जायज़ नहीं है यार बिकॉज हमें भी पता है यहाँ पे कितना क्या रहता है ठीक है तो चलो देखते हैं कैसे रहता है फिर करता हूँ गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट अभी एंड निकलते हैं यहाँ से ठीक है लेट्स गो गाड़ी का कोल्ड स्टार्ट सुनो गाइस चलो देने होते हैं होने देते हैं स्टार्ट इसको देन वी लीव यहाँ से यहाँ देखो हमारे पास Insta360 भी है गाइस अभी तक इसका यूज़ नहीं किया बट आज से इसका यूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा वेल गाइस अभी कर रहे हैं ब्रेकफास्ट मैं तुम्हें बता दूँ यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट में क्या मंगाया हुआ है ये रहे गाइस परांठे एंड अभी चाय आ रही है तो हमारे बाकी सारे बंदे अभी सो रहे हैं गाइस हम यहाँ पे आए थे घोड़े का रेट करने एंड हमें बहुत नॉमिनल प्राइस में घोड़ा मिल गया है घोड़े मिल गए 9 घोड़े चाहिए थे हमको तो अब क्या करेंगे हम खाना खाएंगे उनके लिए पैक करवाएंगे उनको भी खाना खिलाएंगे देन वी लीव टू एंड वहाँ पे करते हैं अपना ट्रैक जो भी सीन रहेगा ठीक है वेल गाइज आ चुके हैं हम बाहर से एंड बाहर गए हुए थे थोड़ा सा हमने अपना हॉर्स और राइडिंग वगैरह का पता किया तो वहाँ पे क्या पता करने को सुनने को मिला हमें क्या कि अपना जो थाजवास ग्लेशियर है ना वहाँ पे हमें स्नो देखने को मिलेगी नहीं तो कोई फायदा नहीं है तो फिर अब हमारा 0 पॉइंट रहता है जो कि है जोजिला बिकॉज हमने वहीं से जाना है तो अभी हम वहीं के लिए निकलते हैं बिकॉज 2 बजे बंद हो जाएगा जोजिला 2 बजे के बाद ऊपर चढ़ने नहीं देते तो 1 बज रहा है 1 घंटे में आई थिंक हम हाफ वे चढ़ जाएंगे ऊपर तक तो बस हमें यहाँ से क्रॉस करना है किसी तरीके से बस ये क्रॉस हो जाए तो हम निकल जाएंगे तो आज का स्टे हमारा गाइस करगिल में होने वाला है बने रहो आज बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है बिकॉज जो आज का हमारा व्लॉग है ना आज का जो हमारी जर्नी है उसमें तुम्हें अपनी आंखों से दिखेगा कि लैंडस्केप कैसे चेंज होता है मतलब ग्रीनरी से पूरा डेजर्ट वो बैरन लैंड कैसी लगती है वैसे तुम्हें पता चलेगा ठीक है मतलब जोजिला इधर से हमारा ग्रीन है सोनमर्ग का समझ रहे हो तुम तो अब तुम जोजिला ऊपर चढ़ोगे एंड 0 पॉइंट से तुम जब नीचे उतरोगे ना तो पूरा ही क्लाइमेट पूरा ही टेरेन हर एक चीज़ चेंज हो जाएगी पूरा येलो हो जाएगा आगे जाके करगिल तो पूरा ही येलो हो जाएगा तो तुम बने रहो इस चीज़ को देखने के लिए और बहुत ज़्यादा अमेजिंग इंटरेस्टिंग राइड रहने वाली है देखते रहो 150 किलोमीटर हमने आज कवर करना है बहुत मजा आएगा गाइस बहुत ज्यादा मजा आएगा बिकॉज आज हमें जोजिला चढ़ना है जोजिला को गाइस मैं गॉडजिला भी कहता हूँ बिकॉज वो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है तो आज सबकी गाइस हवा निकलने वाली है सबका
पता चलेगा कि कौन कितने पानी में, ठीक है। बाकी हम रात को एक होम स्टे में रुके थे यार, बिल्कुल अंधेरे में हमें मिला था। और ये देख लो यहाँ पे हालत, सारे बैग्स, ये तो अभी बहुत कम है, कुछ बैग्स तो लगेज तो निकल गए इधर से आगे, बाकी अपना यहाँ पे कुछ सामान है थोड़ा बहुत। तो चलो अब करते हैं हेलमेट वगैरह तैयार एंड गियर्स वगैरह लगाते हैं। ये मेरे गियर पड़े हुए हैं, गियर लगाते हैं, हेलमेट लगाते हैं, शूज लगाते हैं, बाइक को कोल्ड स्टार्ट करते हैं एंड निकलते हैं। गाइस तुम्हें बता दूं, हमारा हो चुका है प्लान चेंज, बिकॉज अब तुम्हें पता है हम ग्लेशियर का पता करने गए थे तो वो कह रहे हैं वहाँ पे स्नो है नहीं, तो वहाँ पे जाके कोई भी फायदा नहीं है। तो सब रेडी हो चुके हैं, गियर्स वगैरह लगा रहे, सामान सब बाहर आ रहा है, बाइक्स यहाँ पे, तो बाइक्स तैयार हो रही है। अब हमने डिसाइड किया हम करगिल की ओर निकलेंगे यहाँ से, ठीक है। उससे पहले हमने 10R पे ये लगाना है गाइस, GoPro का माउंट है जो हम इधर पे फिक्स करेंगे एग्जैक्ट यहाँ पे इसके मिरर पे, तो इसके लिए इसका मिरर खोलना पड़ेगा। ये गाइस इधर पे फिक्स हुआ है, ठीक है। वेल गाइस ये देखो इतनी छोटी सी गाड़ी में इतना ज़्यादा सामान डाला हुआ है, देखो अभी ये कुछ नहीं है, ये बहुत आधा सामान है, आधा एक बैग ऑलरेडी इसके अंदर है, ये देखो एक बैग ऑलरेडी अंदर है, ये सारा सामान इसके बाहर है। ये होंडा सिटी अभी रोजिला चढ़ने वाली हालत। A few moments later. इसे निकल रहे हैं यहाँ से अभी हम, हमने गाड़ी को पहले निकाल दिया बिकॉज यार 2 बजे के बाद वो निकलने नहीं देते हैं यार, तो अभी निकल रहे हैं यहाँ से हम डायरेक्ट जोजिला पास की ओर। वहाँ पे सुनो ZXNR कोर्स स्टार्ट हो रही है, क्या आवाज़ हो रही है। अभी तक हमने थोड़ा बहुत काम कर लिया, तुमने देख लिया चेन ल्यूब होगी सबकी, हर एक चीज़ होगी सबकी। मैं अपनी बाइक को भी कोर्स स्टार्ट करता हूँ, ज़रूरत तो नहीं है बट फिर भी यार। ओके गाइस मेरी बाइक भी कोर्स स्टार्ट हो रही है, चलो अब निकलेंगे डायरेक्ट, कहीं भी बीच में ब्रेक देनी है इसने, व्लॉग अपलोड करना है, मैं तो व्लॉग डाल नहीं रहा, जब आप देखोगे तब आपको पता चलेगा। अभी चलो निकलते हैं यहाँ से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, लेट्स गो गाइस निकलते हैं यहाँ से। अब सब कुछ ले लिया यार, बस कुछ छूट ना जाए, उसी चीज़ का डर होता है कि कुछ छूट ना जाए, रह ना जाए यार। यहाँ से निकलते हैं डायरेक्ट हम जोजिला पास की। और देखो यार आज हमारा प्लान नहीं था कोई भी जाने का, इन सब ने प्लान करा था कि थाजवस ग्लेशियर है यहाँ पे, बहुत तगड़ा ग्लेशियर है, वहाँ पे जाने का, बट इस साल की हीट वेव की वजह से ना वो ग्लेशियर ही साला पिघल गया, तो हमें पता नहीं था। जब तक हमें पता चला तब तक 12 बज गए थे, तो अभी 1-2 बज रहे हैं, तो अभी हमारे पास टाइम है, तो अभी हम निकल जाते हैं यहाँ से यार। आर्मी वाले बोल रहे हैं गाइस कि रास्ता बंद है, तो देखते हैं अब क्या सीन है, काफ़ी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं यार, बस छोड़ दें हमें, बस रास्ता तो बंद ही है, अभी ये बोल रहे हैं ऐसा। ये क्या कर रहा है भाई, क्या बात है। 2000 years later. Finally, हमें यहाँ से छोड़ दिया गया है एंड कोई हमें 15 मिनट यहाँ पे रुकाया गया, बिकॉज यहाँ से यात्रा चल रही थी ना, तो उसके लिए इनको सारा ट्रैफिक खत्म करना होता है, तो मतलब बिल्कुल रोक देते हैं यार फॉर सिक्योरिटी रीजंस ऑब्वियसली। मैं सबसे आगे हूँ, ये सब पीछे हैं, अभी ये मुझे भी कवर कर लेंगे। अभी हम जोजिला की ओर निकले यहाँ से, पेट्रोल के 2 पॉइंट्स कम हैं, ये कैसे कम हो गए गाइस। आगे पेट्रोल पंप मिलेगा तो पेट्रोल पंप पेट्रोल भरवा लूंगा, बिकॉज आई डोंट थिंक कि आगे पेट्रोल पंप मिलेगा। बाकी चलो लेट्स गो, आज की राइड अच्छी रहे और हम तबाही मचा दे गाइस जोजिला के ऊपर, लेट्स गो गाइस। रोड भाई क्या चुम्मेश्वर रोड है यार, ऐसी रोड पिछली बार नहीं थी, लाइक जब मैं भी गया था तब भी नहीं थी, उसके बाद मैं फिर से कश्मीर विजिट किया 3-4 बार, फिर भी ऐसी रोड नहीं थी, बट इस बार इन्हें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट रोड की कर लिया है। आई डोंट नो जोजिला के ऊपर कैसी रोड है, बट यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छी रोड नहीं थी, जोजिला में तो बिल्कुल ही खराब थी, बट यहाँ पे देख लो यहाँ पे अच्छी कर दी हुई इन्होंने। अब तुम्हें बड़ी बड़ी चोटियां देखने को मिलेंगी, पहाड़ देखने को मिलेंगे एंड व्हाट नॉट भाई गाइस, तुम्हें हर एक चीज देखने को मिलेगी। देखना तुम्हें मैं ऊपर चढ़ के व्यू दिखाऊंगा ना नीचे वाला, तुम बोलोगे भाई क्या ही मजा आ रहा है, सीरियसली बता रहा हूँ, ऊपर से इतना तगड़ा व्यू होता है ना यार। अभी हमें कुछ बाइकर्स ने भी ज्वाइन कर लिया है, बिकॉज देखो यार लद्दाख ले एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे हर किस्म के, हर जगह के और हर जाति के लोग आते हैं यार, मतलब बाइकर्स, स्पेशली बाइकर्स, बिकॉज बाइकर्स में जो एंथुजियाज्म होता है ना इधर पे आने का, स्पेशली लद्दाख करने का, बिकॉज यहाँ के ऑफ रोड्स और यहाँ की सब चीज़ें इतनी खतरनाक है ना, ये चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए लोग ना, सोचो तुम कश्मीर कन्याकुमारी से आते हैं, मतलब समझ लो हम अपने देश के दूसरे कोने से आते हैं, इवन कि फॉरेन से भी आते हैं, तुम सोचो लद्दाख एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा बना रखा है लद्दाख ने, और बाइकर्स के लिए तो लद्दाख हेवन है। बाकी ये देख लो गेटवे है लद्दाख के, कुछ इस तरीके के तुम देख ही सकते हो, मतलब कितनी खतरनाक सी, मतलब यहाँ पे देख लो ऐसा लगता है पेंटिंग करी हुई है पहाड़ों के ऊपर यार। ये तो तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है यार, ये तो कुछ नहीं है, तुम जब ले के अंदर एंटर करोगे ना उसके बाद तुम्हें पता चलेगा असली पेंटिंग किसको बोलते हैं। तुम ये देखो ना साइड पे जैसे पेंट किया हुआ पहाड़ों को, बट मेरा मानना ये है ना जो यहाँ पे टनल्स बन रही है ना वो रास्ते को शॉर्ट कर रही हैं, बट जो बाइकर्स होंगे ना, जो हार्डकोर बाइकर्स होंगे, वो हमेशा लॉन्ग रूट प्रेफर करेंगे और खतरनाक वाला चैलेंजिंग रूट प्रेफर करेंगे यार। ऐसे रूट पे मतलब बाइकर्स को उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है लाइक अच्छे वाले रूट्स पे, समझ रहे हो ना तुम, एज अ बाइकर, जो भी बाइकर होगा वो मेरी फीलिंग समझ पा रहा होगा यार। देख रहे हो इस पहाड़ पे ऐसे 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 चढ़ना है भाई, हालत हमारी पतली होने वाली है, हमारी चढ़ाई शुरू होगी असली वाली, जिसमें हमारी वाट लगेगी, बैंड बजेगी गाइस। देख लो रॉन्ग चल रहे हैं यार, क्या कर रहे हो भाई, इतना सारा रास्ता और तुम रॉन्ग चल रहे हो। इसलिए बोलते हैं जोजिला अगर तुम सुबह सुबह क्रॉस करोगे ना तो बढ़िया रहेगा यार। हालत देखो ये कैसे घूम रही है, ये देखो क्रेटा की हालत देखो तुम, बस उछल रही है साली। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर
जितना हाई एल्टीट्यूड तुम लोगे उतना तुम्हारी बाइक गाड़ियां दबना शुरू हो जाएंगी। मेरी तो शुरू हो गई है, अब मैं पछता रहा हूं, मैंने काश मैंने परफॉर्मेंस एयर फिल्टर लगवा लिया होता गाड़ी में यार। तो जो 10R 4 सिलेंडर गाड़ी लीटर क्लास गाड़ी का पावर ड्रॉप हो रहा है तो हमारी बाइक तो उसके आगे कुछ है ही नहीं यार। बिल्कुल मैं कर चुका हूँ, बट बार बार बोलता हूँ मजा तो आराम से भाई, कहाँ से घुस रहा है तू, क्या चक्कर है, सीधा बोल टायर के नीचे आना है तो डाल दूंगा, ये नीचे से निकलने वाली कौन सी बात होगी यार। पावर ड्रॉप हो रहा है, पावर ड्रॉप बहुत ज्यादा, इसको तो उतना फर्क नहीं पता चलेगा, बिकॉज 10R है ना, कितना ही पावर ड्रॉप होगा यार, 100 CC गिर जाएगा, 200 CC गिर जाएगा, फिर भी इसको 800 CC होगा। ये है जोजी लगा असली रूप ऑफ रोडिंग, नीचे से तो अच्छा रास्ता था बट अबे आगे हमें ऑफ रोडिंग भी दिखने वाली है मैक्सिमम, एंड रोड्स इतने खतरनाक, नीचे देखोगे तो हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी, मतलब 10 दिन टट्टी नहीं करोगे सीरियसली। ईद गई ये चेक करो, ZX10R और आगे अपना जोजिला पास, कितना सेक्सी लग रहा है ना देख रहे हो ब्रो। अभी तू ऊपर चढ़ेगा ना, तुझे ये नीचे लगेगा जैसे किसी ने कुछ दाने डाले हुए हैं पत्थर के। अरे अभी कुछ नहीं है, ऊपर चढ़, उधर से तू बोलेगा ये हो क्या रहा है, अभी तो आधा घंटा लगेगा, एक पौना घंटा, 45 मिनट्स। चलो चलो ऊपर चलते हैं, जितना जल्दी ऊपर पहुंचेंगे ना उतना मजा है। सुन थोड़ा आराम आराम से ही चलना इधर पे, पिछली बार मैं 200 पे आया था यार, RC 200 पे, सोचो इस बार तो फिर भी 400 CC अपने पास, उसके पास 1000 है, पीछे 150-150 वाले हैं, हालत खराब है गाइस, बहुत गंदा ऑफ रोड है, और मेरे शॉकर को पता नहीं क्या हो रहा है, ये शॉक नहीं ले पा रहा यार, मैं वापस डुई में शॉक मार रहा है, पता नहीं क्यों मार रहा है, समझ नहीं आ रही मेरे को गाइस। हवा बहुत ज्यादा है इसके अंदर, बहुत ज्यादा पूरा ना, मैं सोच रहा हूँ मेरा शॉकर टूट खराब हो गया यार, बट हवा है, हवा निकालता हूँ गाइस इसमें से थोड़ी बहुत। ये देख लो नीचे से जितने भी तुम्हें ये कलरफुल चीजें दिख रही होगी ना, तुम्हें तो अभी चूंटियां दिख रही होगी, बट ये सारा अमरनाथ यात्रा का जितना भी सिस्टम है ना वो सारा यहाँ पे। अभी तुम देखो ये पहाड़ तुम्हें इधर दिख रहा है, अभी हम ऊपर जाएंगे ना ये पहाड़ तुम्हें नीचे दिखेंगे, तुम सोचो इतनी हाइट पे जाने वाले, तो चलो लेट्स गो निकलते हैं, चले चलो गाइस लेट्स गो। ये देख लो हिमालयंस के मजे, वाह भाई क्या उड़ता हुआ जा रहा है, देखो यहाँ पे ये टाइल्स डाली हुई है यार चढ़ने के लिए ऊपर, सोचो तुम गाइस ये देख रहे हो पूरी बर्फ की पहाड़ी, और तुम कितनी ऊंची है वो चेक करो पहले, ये देखो बीच में से पानी निकल रहा है और मैं वाटर क्रॉसिंग में हूँ भाई, जल्दी चलो मुझे फंसना नहीं है पानी में यार। गाइस तुम्हें पता है ये वाला पानी बिल्कुल, ये देखो ग्लेशियर के नीचे से आ रहा है, ये देखो इतनी बड़ी है ना ये वाली पहाड़ी, मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ बर्फ की, मुझे आगे फोकस करना पड़ेगा। चलो मैं अगर यहाँ से भी नीचे दिखा दूँ ना इस साइड से नीचे, तुम्हारी फट के चार हो जाएगी, दिखाऊंगा ऊपर चढ़ के दिखाऊँ। फाइनली पहुंच चुके हैं जोजिला पे, ये देख लो आई लव जोजिला, यहाँ से तुम्हें मैं नीचे दिखाता हूँ, मैंने तुम्हें कहा था ना एक जगह से तुम्हें नीचे दिखाऊंगा, ऊपर भी जगह है उधर से भी तुम्हें नीचे दिखा सकता हूँ, बट यहाँ से देखो वाह ये देखो ये नया रोड बना हुआ है शायद यार, हाँ ये वहाँ से यहीं आता है डायरेक्ट, हम थोड़ा घूम के आए ये यहीं से यहाँ आता है, ये देखो कितना नीचे गहराई देख रहे हो तुम। फाइनली जीरो पॉइंट पे पहुंच चुका हूँ, ये रहा आपका जीरो पॉइंट जोजिला का, मतलब अभी हम जोजिला पास के बिल्कुल टॉप पे खड़े हैं, अब हमें आगे जाके सीधा डाउन जाना है सीधा, ठीक है। अभी मैं 10R का वेट कर रहा हूँ, वो पीछे रह गई, आई डोंट नो वो पीछे क्या कर रहा है, लिटरली मेरे को नहीं पता, वो देखो लाइट दिख रही है वहाँ से आ रहा है, पहुँच गए हैं जोजिला के जीरो पॉइंट पे। हाँ जी बस दर्द हो रही है। फाइनली गाइज ये रहा हमारा जीरो पॉइंट, सबसे पहले गाड़ी पहुंची थी उसके बाद 10R पहुंची है, ये जीरो पॉइंट है आपका। गाड़ी कैसे लाऊं, ये वाली आंख बंद कर नीचे देखी खाई देखी नहीं देखा ही नहीं मैंने। मेरी बाइक तो वहां पे जा सकते हैं, हाँ तुम्हें बाइक लेके जाना पड़ेगा वहां, बिकॉज वहां पैदल पैदल सांस फूल जाएगी। 10R भी आ चुकी, आराम से गिरना नहीं बैठे रहे, सुन सीधा नीचे उतार सीधा। फाइनली ये देख लो ये आपका जीरो पॉइंट है, एंड ये जीरो पॉइंट का ग्लेशियर कितना ज्यादा खतरनाक है, अभी यहाँ पे इनको स्कीइंग वगैरह करनी है। फाइनली देख लो अभी एक बंदा जा रहा है फिलहाल ट्रायल के लिए, उसके बाद हम थोड़े इधर रुकते हैं कुछ बंदे, फिर हम भी चले जाएंगे। बाकी फिलहाल ये देख लो तुम्हें दिखाता हूँ गाइस हमारी ये कुछ स्लोप है, एंड ये स्नो मोबाइल्स है यहाँ पे। बाकी अभी मेरे कैमरा में बैटरी नहीं है, 10 से मैंने इसको चार्ज पे रखा, तुम देख सकते हो थोड़े चार्ज होता है, देन हम भी निकलते हैं गाइस। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर लेट्स गो गाइस, चलो भाई Let's go। अरे बाप रे, ओ भाई क्या एक्सपीरियंस है, बस पलटा ना लगे ओ भाई, अरे बाप रे ओ भाई खतरनाक। Fuck guys, ये देख रहे हो
भाई कहाँ पे पहुँच गए, वहाँ से यहाँ तक हम कुछ ही टाइम पे पहुँच गए। अरे जब हमने डिसाइड किया उतरते नहीं जैसे टट्टी गिरती वैसे ही गिर। अब गए निकलते वहाँ से, मैं स्लेज लेना है, खुद चला के लेंगे। साले नहीं कर नहीं कर, अबे पैंट में चली गई यार। भाई आसान तरीका आने का, चल ब्रो। ओ अंकल जी, ओ बाप रे, शिट भाई अंकल गिर गए यार, बहुत गंदे तरीके से गिरे, बहुत गंदे तरीके से यार। वेल गाइस ये देख लो, ये रहा आपका गोजिला का 0.5 कुछ ऐसा सा। देखो देखो गाइस शाम भी होने वाली है अभी, ये देखो अभी यहाँ ऊपर झरना है, देखो कितना ऊपर जा रहे हैं। तो पैसे लोगे सर, इसको आगे चला नहीं आगे आगे। बाप रे, ओ भाई गाइस देख रहे हो बहुत खतरनाक सा ट्रेन है। बाप रे बाप रे, शिट दे दो। ओके ब्रेक लेफ्ट है ना, ठीक है। ओके ओके ओके, क्या बात है गाइस। ओ क्या बात है, सेक्सी गाइस। वेल गाइस क्या मजा आया तुम्हें, क्या ही बताऊं यार, बहुत ज्यादा मजा आया। चलो अब नीचे उतरते हैं अपने लोगों के पास। मैंने हमारा इसीलिए आप लोगों को यहां हेली हमारी मैगी, उतरते ही मैगी मिल गई भाई। तू कहां हमारी मैगी ले गया भाई? ऊपर वाले ने लिखा हुआ है ना अंकल, ऊपर वाले ने लिखा हुआ है जिसके हाथ में आएगी उसको मिलेगी। गाइस ऊपर गिर गया, ये देखो खून निकल गया यार, इसमें फ्यूल डालने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें तो बिल्कुल ही खत्म हो गया होगा, मेरे पास भी फ्यूल नहीं है यार। ओए देख के डाल, उसको टच कर, नोजल को टच कर उससे। हाँ अब डाल, वेरी नाइस। गाइस इसमें फ्यूल डाल रहे हैं, इसमें फ्यूल डालेगा उसके बाद मेरी बाइक में भी डालेगा, मेरी बाइक में भी काम है थोड़ा सा। गाइस अभी अपनी बाइक में भी तेल डालते हैं जल्दी जल्दी, एंड देन निकलते हैं यहाँ से, ठीक है। जाने दे, ये डीजल तो नहीं है? हैं क्या भाई, ओए पेट्रोल है ना, 20 लाख रुपए लूंगा यार। पेट्रोल है भाई, स्मेल नहीं आ रही है भाई, उसका रंग उड़ गया 20 लाख से। ओ पकड़ पेट्रोल है, ठीक है, पेट्रोल का कलर नहीं होता है उसका, सॉरी डीजल का कलर नहीं होता है भाई। खाली क्यों हुआ है सब कुछ यार, तेरी 10 hour और मेरी बाइक सेम माइलेज दे रही है क्या? पागल है क्या? 300 रुपए भाई। A few minutes later भाई खत्म हो जाएगा। चलो चलो बस बस, थोड़ी जगह रखी है, थोड़ी जगह रखी है भाई। ये आधा कर दिया, आधा कर दिया भाई, आधा क्या बोल रहे भाई, दे रही माइलेज नहीं दे रही भाई। चलो ऊपर तक डाला तूने, ऊपर तक नहीं, अगर तेरा टैंक बड़ा है ना, उड़ जाएगा उड़ जाएगा उड़ जाएगा। 2000 years later. Well guys, finally निकल रहे हैं यहाँ से। अब हमारी 10 hour में भी फ्यूल हो गया, एंड 390 में भी फ्यूल हो गया, बिकॉज हम दोनों की माइलेज ऐसी है ना जैसे मतलब मौत आ रही हो, खत्म ही हो रहा है पेट्रोल, पता नहीं क्यों। चलो अभी निकलते हैं यहाँ से, हमें अभी नीचे उतर। क्या बात है यार, क्या बात है, देख रहे हो रोड्स, देखो रोड्स, बकरियां, गाय, हर एक चीज है। 10 hour, 10 hour, 10 hour, क्या बात है, फील है गाइस 10 hour में ही फील है कसम से। ये देख लो, ये हमने कर लिया एग्जिट, और 100 किलोमीटर है प्रॉपर हमारा जोजिला, सॉरी करगिल हमारा 100 किलोमीटर है यहाँ से। अभी हम जोजिला से नीचे उतर रहे हैं यार, एंड यहाँ पे कुछ रील्स वगैरह भी बनाएंगे, बिकॉज लोकेशन बहुत ज्यादा प्यारी है। अब यहाँ से ना हमारा लैंडस्केप चेंज होने वाला है, जो ही हम द्रास के अंदर उतरेंगे ना उसके बाद तुम देखना सारा प्लेन हो जाएगा, और इतना खतरनाक सा लैंडस्केप आ जाएगा, और पूरा ये ना पहाड़ी इलाका खत्म हो जाएगा, और बहुत अलग सी पहाड़ियाँ दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। भाग रही है बाइक यार, तुम कुछ भी बोलो, जो बाइक परफॉर्मेंस दे रही है ना, भाग रही है यहाँ पे इतनी ऊंची जगह पे, तो भाई मजा ही आ रहा है भाई। ओ भाई गाइस जोजिला चढ़ना उतना मुश्किल नहीं था, उतरने में तो रोड है ही नहीं गाइस। भाई बाइक वालों के लिए ट्रैफिक घंटा मैटर नहीं करता, बिकॉज हम ऐसे निकल जाते हैं सांप की तरह। ये देख लो आगे ट्रक कितने बड़े बड़े हैं यार, निकाल। रोड देखो, रोड के नाम पे धब्बे हैं,
वो आराम से चल। क्या बात है गाइस, सोच रहा जितना चढ़ना आसान है जितना उतरना आसान है उतना ज्यादा मुश्किल खार दुंगला चढ़ना और उतरना है। क्या भगा रहा है यार बाइक को ये। एक्चुअली हमने सीजन नहीं चुना है जाने के लिए यार, हम सीजन के बहुत लेट आए हैं। इस टाइम तक ना मोस्ट ऑफ द राइडर्स वापस भी चले गए होते हैं, बट क्या करें यार, मेरे एग्जाम से मैं एक महीने से चंडीगढ़। ये भी जगह दे वो भाई, भाई ये कौन है यार, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। यहाँ पे आई थिंक हमारी एंट्री होगी, बिकॉज हम यहाँ से करगिल डिस्ट्रिक्ट में एंटर करेंगे ना, तो यहाँ पे एंट्री होनी होनी है हमारी 110%। कोई एंट्री नहीं हुई गाइस हमारी, यहाँ पे पिछली बार हमारी एंट्री हुई थी यार, जब मैं आया था मेरी एंट्री हुई थी यहाँ पे। अब बात है यार, भगाए जा रहे हैं हम, भगाए जा रहे हैं। पहाड़ देख रहे हो, ये देखो। मैंने तुम्हें कहा ना, तुम जोजिला से नीचे उतरोगे पूरा लैंडस्केप चेंज हो जाएगा, और वैसा ही हुआ। देखो ओ भाई, इसको तब से पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। देखो सीधा है गाइस, यहाँ से अब स्ट्रेट है सारा। वो देखो, मैं बोल रहा हूँ ये वाला टाउन बहुत प्यारा है। क्या नाम है इसका? इस जगह का नाम क्या है? मदाइन, मदाइन, मदाइन। क्या नाम है इस जगह का? पागल बच्चे, ये देखो, बंद कर इसको। इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर आओ, इधर इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर आओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ 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 यार, आओ इधर, आओ ना इधर यार। यार ये कितनी प्यारी खूबसूरत जगह है यार, ये देख रहे हो तुम कितनी खूबसूरत जगह है यार, बहुत प्यारी जगह है यार ये। चले कितनी बच्चा पार्टी जमा होगी यहाँ पे। वेल गाइस, हम रुक गए थे यहाँ पे बहुत टाइम, हमने कुछ रील्स वगैरह अपलोड की, जैसे तुम देख ही चुके होगे तो रील्स वगैरह पहले अपलोड किया, अब लेट तो वो ये चला गया। अब चलो निकलते हैं यहाँ से, आपके सामने हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप आराम से चलिएगा, ठीक है। हम नहीं चाहते कि हम एक बाइक को कंधे पर लाद के ले जाएं। भाई ये बाइक चलाता ना किसी के, हमको बहुत डर लगता है यार कसम से। निकलो निकलो निकलो, ओ भाई ये क्या हो रहा है, भाई ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है ये, पता नहीं भाई, जो भी हो रहा है सही हो रहा है, हो रहा है जो भी हो रहा है सही हो रहा है। अच्छे लगे, अच्छे लगे, देखो यहाँ पे प्रपोज प्रपोज चल रहा है। चलो गाइस लेट्स गो, भाई आगे चल। गाइस बाइक देखो कितनी ज्यादा आवाज कर रही है, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन है ना, जिसकी वजह से आवाज बहुत ज्यादा होती है बाइक की। भाई नीड फॉर स्पीड वाली रेस लगी है अभी यार। क्या बात है यार, अच्छा थोड़ी मन है। ओ भाई भाई भाई, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। ओ भाई निकल गया था टायर साले का। यार राजा ब्रेक मत मारो, और पता क्या करो, जब पास ले रहे हो ना तब हॉर्न मार दो। आप बहुत क्लोज से पास ले रहे हो, पता क्या ऐसे ऐसे करके बच जाएंगे, देख के थोड़ा। अभी बहुत मुश्किल से बची है यार, एक्सीडेंट होते होते बचा है। कारगिल है 58 किलोमीटर यहाँ से, और ले है 283। इधर से थोड़ा देख के चलना पड़ेगा हमें, क्योंकि रोड भी अच्छी है और मन करता है बंदे को तेज चलने का, बट यू डोंट नो कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये देखो, ये देखो, ये देखो।
ये तो रुकता ही नहीं ना यार, अभी करगिल सिटी पहुंचने में हमें 59 किलोमीटर है, तो होपफुली एक घंटे एक डेढ़ घंटे में हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा यार। भाई दरवाजा पापा बंद करेंगे तुम्हारे, खुला रख के चल रहे हो गाड़ी, शर्म नहीं आती? ओ तू कौन से ड्राइवर है, कौन से ड्राइवर है तुझे, पिलियन का तेरा दरवाजा खुला है तू देख नहीं रहा? अगर ये इधर से निकल जाएगा फिर इसके बाप को क्या जवाब देगा तू? रुक रुक पहले जवाब दे, क्या जवाब देगा? रोड रे क्या बोल रहा है? मैं जो क्या कर रहा तू, कहां से है यहां पे? क्यों मुसाला, चलो यार लेट्स गो। क्या हुआ, दरवाजा क्यों खोल रहा है? क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, हुआ क्या? ओम तूने अंकल मार, ओ ओ फक फक, भाई भाई मर गए थे यार, भाई मर गए थे, बताए गिर गए थे हम, नहीं बचते ही नहीं, बचते ही नहीं। क्या कर रहा है तू? मैंने किया, इसने किया? ओफ मैं तुम्हारे से दूर चलूंगा, 2 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर चला जब ये मरते मरते बचे, बस इतना बताऊंगा कि मौत हो गई थी, देख ली थी, टेस्ट आ गया था मौत का, कसम से। लेट्स गो लेट्स गो, इसका भगा रहे यार, तुम सोच भी नहीं सकते हो, कसम से बता रहा हूँ, बस कोई गाड़ी गुड़ी ना आ जाए ढम ढूम हो जाएगा। चल 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 जान जाओ, क्या बात है यार, मजाक कर रहा हूँ, क्या हो गया, क्यों टेंशन ले रहे हैं?